जबलपुर के बेलखेड़ा पुलिस थाने में होली को मद्देनजर रखते हुए बेलखेड़ा थाना प्रभारी निरुपा पांडे ने क्षेत्र के गणमान्य नागरिक ग्राम कोटवार तथा सरपंचों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें करीब 150 की संख्या में लोग थाना प्रांगण में उपस्थित हुए। ग्रामीणों ने अपने ग्राम और क्षेत्र की समस्याओं से थाना प्रभारी को अवगत कराया, जिसमें अवैध शराब, जुआ, सट्टा तथा जगपुरा गांव में चल रहा अवैध उत्खनन शामिल है। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों की शिकायत का जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही। कार्यक्रम में शामिल ठाकुर विजय सिंह, प्रमोद शुक्ला, कमल गुमास्ता, परमलाल यहवासी, ब्रजकिशोर चौधरी सहित गणमान्य नागरिक शामिल रहे। आज दिनांक 6/3/2020 को हमने अपने प्रांगण में, थाना बेलखेड़ा प्रांगण में, होली आगामी त्योहार होली के कारण एक सम्मेलन रखा था। क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को, शांति समिति, रक्षा समिति और कोटवारों को, ग्राम कोटवारों, सरपंचों को बुलवाया गया था। उनसे उनके गांव में होने वाली समस्याएं और होली के त्योहार पे आने वाली समस्याएं या अपराध या शराब बिक्री या उनके त्योहार को मनाने के तरीके के संबंध में उनसे पूछताछ की, उनको समझाइश दी किस तरीके से त्यौहार मनाएं, नहीं मनाएं, लोगों को आपस में मिलजुल कर रखें, किसी पे जबरन रंग ना लगाएं, साउंड सिस्टम या अनावश्यक तीखे रंगों का उपयोग ना करें, आपस में वाद विवाद से बचें, शराब पीकर अनावश्यक वाद विवाद से बचें। तो इस तरीके से हमने काफ़ी करीब 100-150 लोगों की उपस्थिति में हमने आज होली व्यवस्था पर एक सम्मेलन रखा था। थाना क्षेत्र में एक समिति की मीटिंग रखी गई थी, मीटिंग अच्छे से शांतिपूर्वक संपन्न हुई। किसी शिकायत आई है क्या ग्रामीण जो खत्तों? जी, ग्रामीण क्षेत्र से लोगों ने, कोटवारों ने और गणमान्य नागरिकों ने हमें बताया कि उनके क्षेत्र में शराब की शिकायतें हैं और उसके अतिरिक्त रेत की परमिशन के संबंध में उन्होंने बोला। तो मैंने कहा रेत की परमिशन तो दे नहीं सकते हैं, वो तो शासन के अनुसार जो चालू होगी तो आप उस पर कर सकते हैं, और अवैध रेत के परिवहन के संबंध में कार्यवाही की जाती रहेगी। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने शिकायत की कि पावला क्षेत्र में शायद जो पूरा क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया जा रहा है उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। मैं स्वयं तस्दीक करने जाऊंगी तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।